love you, Papa. We are missing you so much. बिग बॉस 12 आप देख रहे होंगे तो आपको पता है कि सीशांत बिग बॉस 12 में कितना अच्छे तरीके से खेल रहा है। पहले के दिनों में सीशांत बहुत ही गुस्सा करता था और सबके साथ झगड़ा भी करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सुधर रहा है। तो सीशांत जीत रहे हैं इस बार का बिग बॉस। क्यों और कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस 12 सीशांत को क्यों जीतना चाहिए। सबसे पहले बात जो आता है, सीशांत का एक बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग, क्योंकि वो है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर। इंडिया में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में पूजा जाता है, तो इसलिए सीशांत का एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है और बिग बॉस के घर में सबसे नोन पर्सन है सीशांत। बिग बॉस उन लोगों को बहुत लाइक करता है जिन लोगों का बहुत फैन फॉलोइंग रहता है, क्योंकि फैन फॉलोअर्स अपने पसंद के कलाकार को टीवी में देखने के लिए अपने आप बिग बॉस देखेगा। सीशांत का जवान जैसे भी हो, लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है, या आप कह सकते हैं एक बच्चों जैसा दिल है सीशांत के पास। सीशांत हर वक्त पॉजिटिव को सपोर्ट करता है और कभी नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। वो दीपिका हो फिर भी वो नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। सीशांत है एक बहुत इमोशनल पर्सन, इसीलिए टास्क में डायरेक्टली किसी को नॉमिनेट बोलिए या ना नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनका थोड़ा ईगो है, लेकिन वो ईगो भी बच्चों जैसा ही है। सीशांत एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ उनके पास है एक गुड पर्सनालिटी। सीशांत सबके साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, वो बात के बात है, लेकिन फिर भी घर वाला अगर किसी को एक में रखना चाहे तो सीशांत को ही रखे थे। याद होगा अगर आपने वो एपिसोड देखे होंगे तो। बिग बॉस में रहने के लिए और बिग बॉस में सर्वाइव करने के लिए हर किसी आदमी को कंट्रोवर्शियल होना जरूरी होता है, और सीशांत तो घर के बाहर से ही कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। घर में भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं सीशांत, और इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी सीशांत का गुस्सा उनके सिर पे चढ़ा रहता है। सीशांत सभी के साथ लड़ झगड़ते हैं, लेकिन बाद में जाकर इंडिविजुअली सबको सॉरी भी कहते हैं। इनमें उनका बड़प्पन दिखता है। सीशांत दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसके लिए दूसरों को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत इजी हो गया है, और ये उनके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी दर्शाता है। जब सीशांत कैप्टन बने तब से लेकर कैप्टनशिप के आखिर तक सीशांत का मैच्योरिटी लेवल हमें देखने को मिला, तब वो ज्यादा लड़ झगड़े नहीं थे। हाउसमेट में आप किसी को भी नहीं देख सकते कि सीशांत को हमेशा डिसरेस्पेक्ट करे। साथ में सलमान खान भी सीशांत का रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ अच्छी तरह से ही बात करते हैं। इतने सारे पॉजिटिव कारण है, और क्या चाहिए जीतने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या मेरे बात से सहमत है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ये भी लिखिए कि बिग बॉस 12 में सबसे अच्छा चीज आपको क्या लग रहा है। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपड़े देते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों का हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।